Welcome students, today we will do some calculations related to corona and same calculation आपका capacitance के time पे capacitance calculation करने के time पे लगेगा, तो you have to more attentive here, हम लोग calculation को देखेंगे। जैसे पहले class पे आप लोग देखे थे, अगर ऐसा एक cylindrical conductor होगा तो inside the conductor electric field is zero and outside the conductor इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो एल बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये वाला वैल्यू आप लोग देखे थे। प्रोवाइडेड वन वी आर नेगलेक्टिंग द एन इफेक्ट, मतलब दोनों जो एंड होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन charge distribution is not uniform and field is not uniform, ये वाला assumption अगर लेंगे तो electric field का value ऐसे आता है। Similarly, अगर हम लोग ऐसे single phase transmission line लेंगे, तो single phase transmission line में क्या होता है, एक conductor पे ऐसे current जाता है और दूसरे से ऐसे return करता है। जहां पे करंट जाता है उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्टर, और जहां पे रिटर्न करते हैं उसके कहते हैं रिटर्न कंडक्टर। इनको कहते हैं फॉरवर्ड और गो कंडक्टर, ठीक। सिमिलरली दो कंडक्टर सिलिंड्रिकल कंडक्टर हमने ड्रॉ किए, पहला वन फॉरवर्ड कंडक्टर। अगर फॉरवर्ड कंडक्टर के लिए करंट को प्लस आई कंसीडर करेंगे तो रिटर्न कंडक्टर के लिए करंट को कंसीडर करना होगा माइनस आई। प्लस आई के लिए एसोसिएटेड चार्ज प्लस क्यू, सो माइनस आई के लिए एसोसिएटेड जो चार्ज होगा माइनस क्यू। नाउ बिटवीन दिस टू कंडक्टर, ये दो कंडक्टर के बीच पे हम लोग एक पॉइंट लिए पी, जो कि एक कंडक्टर का जो ओरिजिन है सेंटर है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट को कंसीडर करें। तो पॉइंट पी पे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट पी में क्या होगा, सपोज दिस इज पॉजिटिव कंडक्टर, तो पॉजिटिव कंडक्टर के लिए अगर ऐसे पॉइंट लेंगे तो पॉजिटिव कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा ऐसे रेडियली डाइवर्ज करेगा, रेडियली डाइवर्ज करेगा, ठीक। और अगर निगेटिव कॉन्डक्टर रहेगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे रेडियली कन्वर्ज करेगा। तो दोनों केसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो सेम होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर वन, मतलब ड्यू टू फॉरवर्ड कंडक्टर इज ई वन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिटर्न कंडक्टर इज ई टू, दोनों का ही डायरेक्शन सेम। तो अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने के लिए सोचेंगे तो क्या करना होगा, ये जो E1 एंड E2 दोनों को ऐड करना है, तो हम करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T विल बी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या होगा बोलो, क्या होगा E equal to E1 plus E2, vector addition. Now दोनों का direction same, तो हम simply ऐसे addition कर सकते हैं। तो क्या होगा, rho l by 2 pi epsilon not, पहले distance था r, अभी distance हो गया x into x, और E2 क्या होगा, rho l by 2 pi epsilon not, अगर a वाला x होगा complete distance d, so this will be d minus x, तो distance लेना होगा d minus x, ठीक। अभी rho l क्या था, rho l था linear charge density, मतलब (coughs)
चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, बुक में हम लोग रोएल को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, तो बुक का नोटेशन यूज कर रहा है क्योंकि सेमिस्टर में क्वेश्चंस आएगा और अगर आप लोग रोएल लिख दिए प्रॉब्लम कुछ है नहीं, लेकिन टीचर देखेगा क्या जो एंड वाला रिजल्ट वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर उसमें क्यू के जगह पे रोएल है तो फिर पहले से स्टार्ट करेंगे चेक करने के लिए, तो बीच में सपोज कुछ गलती हो गया तो आपको नंबर चला जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। तो बात क्या होगा, क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स प्लस क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन इंटू डी माइनस एक्स, ये वाला कॉमन आएगा। सॉरी मेरा तबीयत तो खराब है, तो ऐसे होगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आई विल नॉट स्किप एनी स्टेप, तो ये वाला आ गया। अभी कोरोना का जो फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहा था कहाँ पे कर रहा था, कॉन्डक्टर सरफेस पे, क्योंकि कॉन्डक्टर सरफेस में है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो कॉन्डक्टर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स के जगह पे हम लोगों को रिप्लेस करना होगा आर, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा क्यू बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय आर इंटू डी माइनस आर। अभी हम लोग दो इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, पहले तो एंड इफेक्ट हो गया, सेकेंड इफेक्ट क्या, अगर ये जो दो कंडक्टर मतलब फॉरवर्ड कंडक्टर एंड रिटर्न कंडक्टर, इन दोनों के बीच पे जो डिस्टेंस है वो अगर कम होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल इच अदर एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट इच अदर। तो सपोज ये जो फॉरवर्ड कंडक्टर, इनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनके नियर बाय एक और चार्ज कंडक्टर रहेगा तो इनके लिए इनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो इफेक्टेड होगा, चेंज हो जाएगा, तो इन दैट केस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो डी होता है मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर, ऐसे सेंटर ऑफ वन कंडक्टर एंड सेंटर ऑफ सेकेंड कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा आपका डी, तो डी होता है मच मच ग्रेटर देन आर, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि डी माइनस आर इक्वल टू डी। तो अगर डी माइनस आर के जगह पे हम लोग डी लिखती है तो डी डी कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो होगा क्यू बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अभी मिल गया मैक्सिमम फील्ड का एक्सप्रेशन, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज। ठीक, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगा, यू ऑल नो दैट नंबर वन एंड नंबर टू दो कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू वी वन माइनस वी टू इक्वल टू फ्रॉम वन टू टू ई डॉट डीएल था, अभी डीएक्स लेंगे, ये था आपका वोल्टेज का एक्सप्रेशन। वोल्टेज का एक्सप्रेशन तो अभी लिमिट क्या होगा, अभी लिमिट क्या होगा क्वेश्चन है, ई का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, क्या जीरो टू डी और आर टू डी माइनस आर और आर टू एक्स और एक्स टू डी का कौन सा लिमिट लेंगे, तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर हम लोग सम एजम्पशन लेंगे, क्या इसको इरेज कर रहा है, ठीक नोट करते रहो, अगर कुछ मिस हो जाएगा नो प्रॉब्लम आई विल प्रोवाइड नोट। जैसे आप लोग क्या जानते हो, ऐसे अगर कंडक्टर होगा तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, लेकिन वो कब होगा,
जब कंडक्टर विल बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? नॉट कनेक्टेड टू सोर्स और बैटरी। कोई सोर्स के साथ कंडक्टर अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन ये जो सिंगल फेज जो कंडक्टर होता है, सिंगल फेज जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है मतलब चार्ज फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होता है मतलब कुछ फोर्स है। फोर्स है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इन दैट केस देयर विल बी नो करंट। वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्शन, प्लीज लिसन केयरफुली। जो कंडक्टर होता है सर्किट में और जो कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन पे, कहाँ पे भी एक जगह पे भी ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक एजम्पशन लेंगे कि कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इक्वल टू जीरो, रेजिस्टिविटी जीरो का मतलब क्या? रेजिस्टिविटी जीरो का मतलब दिस इज ए परफेक्ट कंडक्टर। करंट फ्लो करने के लिए कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो परफेक्ट कंडक्टर अगर एज्यूम करेंगे तो इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर एंड बाहर में जो था ऐसा होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे हम लोग एक डेरिवेशन लेकर के आए थे, वो वाला डेरिवेशन हम लोग पावर सिस्टम में और सर्किट थ्योरी में अप्लाई करते हैं एक एजम्पशन के लिए। एजम्पशन क्या है? रो इक्वल टू जीरो। ये एजम्पशन अगर नहीं लेंगे तो वो वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, वो हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए देखते हैं। आप लोग क्या जानते हो? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, सपोज दिस इज ए रेजिस्टर, ठीक। अगर रेजिस्टर का अक्रॉस पे ऐसे एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करे तो थ्रू द रेजिस्टर एक करंट फ्लो होगा आई, एंड इफ द रेजिस्टेंस वैल्यू इज आर, देन ओम्स लॉ के मुताबिक आई इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर। इनमें वोल्टेज डिफरेंस के लिए करंट क्रिएट हो रहा है, सो वोल्टेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड करंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो वोल्टेज डिफरेंस को हम लोग एक्स एक्सिस पे पुट करेंगे और करंट को वाई एक्सिस पे पुट करेंगे। ग्राफ होगा ऐसा। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टर है आर, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस दैट इज आर, एंड करंट फ्लो होने के लिए अगर वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो गया डेल्टा वी, तो होगा वी इक्वल टू आई इंटू आर। क्लियर? इन दैट केस आई होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वी होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफ होगा ऐसे, नेगेटिव पार्ट नहीं होगा क्योंकि वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी नेगेटिव करंट। तो पहले वाला केस पे क्या हो रहा है? पहले वाला केस पे हो रहा है, हम सिर्फ ये जो लास्ट फॉर्मूला हमको लगेगा हम फिर भी इसको थोड़ा सा इगेस कर देते हैं। आप क्या ये वाला नोट कर लें? तो ये जो दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला आता है एक मादर लॉ से। वो क्या है? मादर लॉ है जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। जे क्या है? जे मतलब करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, ठीक। जे क्या है? करेंट डेंसिटी मतलब आई बाय ए। सिग्मा क्या है? सिग्मा मतलब वन बाय रो, सिग्मा मतलब वन बाय रो। इसको कहते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओके। और ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अभी ये जो मादर फॉर्मूला है ये होता है थ्री डायमेंशनल पे फील्ड थ्योरी पे ओम्स लॉ।
यही से आता है वी इंटू वी इक्वल टू आई आर। इनका जो डेरिवेशन उनमें डीप फेलोशिप का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हम लोग रिवर्स की डेरिवेशन करके देखेंगे कैसे आ रहा है। सपोज वी इक्वल टू आई आर और आई इक्वल टू वी बाई आर, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करके देखेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो हम लोगों को क्या था, I इक्वल टू वी बाय आर। अभी करेंट डेंसिटी J मतलब I बाय A करेंट पर यूनिट एरिया। तो I मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, J इंटू A। V का मतलब क्या है, V मतलब E इंटू L। अगर E और L एक डायरेक्शन पे है ऐसे समझो, बाय रो एल बाय ए। तो रो एल एल कैंसिल हो गया, ए ए कैंसिल हो गया, तो आ रहा है जे इक्वल टू ई बाय रो और जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ये जो फॉर्मूला है इनमें क्या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो इंटू जे। तो अगर परफेक्ट कंडक्टर होगा तो इनसाइड द कंडक्टर रो इक्वल टू जीरो। रो इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम लोग एजम्पशन लेंगे कि ये जो दो कंडक्टर है, एक फॉरवर्ड और रिटर्न, इज ए परफेक्ट कंडक्टर, मतलब रेजिस्टिविटी इक्वल टू जीरो, देन इन दैट केस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो होगा। हालांकि ये होता नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया करेंट शुड भी जीरो, बिकॉज करेंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होगा तो रिक्वायर्ड सम फोर्स, फोर्स होगा तो फील्ड भी होगा। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्शन, क्या समझ में आएगा? ठीक, ओके। तो फ्रॉम जीरो टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा आर से। कहाँ तक, डी माइनस आर तक। ए वाला था डी, फिर ए जो पोर्शन है ए भी इनसाइड द सेकेंड कंडक्टर, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो लिमिट लेना होगा फ्रॉम आर टू डी माइनस आर। तो हम लोग लिमिट लेंगे फ्रॉम आर टू डी माइनस आर। तो लिमिट समझ में आ गया, सेम लिमिट सेम कॉन्सेप्शन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कैपेसिटेंस कैलकुलेशन। जो आप लोगों का सेमिस्टर और इंटरव्यू और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो डेरिवेशन है बुक पे भी ठीक से नहीं लिखा रहता है, सिर्फ लिख देते हैं कि हम लिमिट ऐसे दे दें, तो सारा बात समझ में आना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू। E हो गया ऐसा, हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं साइलेंटली, आप देखते रहो, अगर कुछ हम गलती करें तो इन्फॉर्म मी। ठीक, लिमिट होगा, ये वाला लिमिट पहले लेना होगा। इंटीग्रेशन ओवर dx by x होता है क्या, ln x, तो अभी आ गया 2 ln d minus r by r, 2 cancel। तो इसमें से पता चला है वोल्टेज डिफरेंस, मतलब v, अगर v equal to integration over delta v, मतलब हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि V2 और V1 के बीच पे एक रेफरेंस है, मतलब उनको हम लोग ऐसे सेट कर सकते हैं, सपोज V2 इक्वल टू जीरो एंड इन दैट केस V1 इक्वल टू V, ऐसे हम लोग करते हैं।
वोल्टेज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एक चार्ज फील्ड सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है वोल्टेज, एक सिंगल चार्ज का वोल्टेज नहीं होता है, ठीक, एक सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है। तो उनमें हम लोग ऐसे डिफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं पृथ्वी पे। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि सपोज दो कंडक्टर है, वन और टू, हम लोग बोल सकते हैं कि वन में वोल्टेज 5 वोल्ट और टू पे वोल्टेज 0 वोल्ट, ठीक। और हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वन में वोल्टेज प्लस 2.5 वोल्ट और टू पे वोल्टेज माइनस 2.5 वोल्ट। इन द बोथ केस दोनों के बीच पे वोल्टेज डिफरेंस विल बी इक्वल, दैट इज 5 वोल्ट। तो हम लोग ऐसे टू को रेफरेंस ले सकते हैं और वी कैन असाइन द वोल्टेज ऑफ टू इक्वल टू 0, और बोल सकते हैं कि वन कंडक्टर का वोल्टेज 5 वोल्ट, और हम लोग इक्वली ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कितना शेयर कर रहा है, इम्पोर्टेंट है वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज वोल्टेज डिफरेंस। तो ऐसे हम लोग अगर एक को रेफरेंस ले लिए और एक का वोल्टेज को हम लोग वी से डिनोट करेंगे तो ऐसे आएगा वी इक्वल टू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एलएन डी माइनस आर बाय आर। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के टाइम पे, ये वाला इक्वेशन आप लोगों को डेरिवेशन करना है, नोटेड क्या करिए। इंटीग्रेशन का सारा स्टेप्स हम देखा है, जो स्टेट का स्टूडेंट है 10 के बाद आए हो डिप्लोमा पे, अगर इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आई विल टेल लॉजनी सर टू क्लियर दिस, और फिर भी क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक सम सेपरेट वीडियोस जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जो बेसिक्स होता है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो वी का इक्वेशन ऐसा आ गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था ई मैक्स इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये वाला इक्वेशन आया था कुछ देर पहले। तो इनमें से हम लोग बोल सकते हैं क्या क्यू इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ई मैक्स। तो ये वाला जो क्यू नोट का वैल्यू है, क्यू का जो वैल्यू है, क्यू नोट नहीं, क्यू का जो वैल्यू है वो अगर हम लोग ये जो सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो जाकर के आएगा वी इक्वल टू सॉरी आगे ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, तो आएगा 2 r epsilon sorry e max ln d minus r by r। चेक इट, ठीक है कि नहीं। नाउ कम टू द पॉइंट, तो वोल्टेज का ये जो एक्सप्रेशन मिला है हम लोगों को v equal to 2 r ई मैक्स एल ए डी माइनस आर बाई आर, इसमें भी हम लोग एजम्पशन अप्लाई करेंगे कि डी माइनस आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी। तो फाइनली जाकर के इक्वेशन बनेगा ऐसा, वी इक्वल टू 2 r ई मैक्स एल एन डी बाय आर। ओके, अभी अगर कोरोना को स्टार्ट करना है तो क्या होगा, तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वैल्यू एट एनटीपी इलेक्ट्रिक
फील्ड एट कॉन्डक्टर सरफेस जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है एट एनटीपी, अगर ए होगा जी जीरो के बराबर, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए आर विच इज एतो वोल्ट पर मीटर। अगर जी जीरो होगा तो जाकर के कोरोना स्टार्ट होगा। हम लोग क्या डिफाइन किए थे कि कोरोना स्टार्ट होने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत है वो होगा ई मैक्स इक्वल टू जी जीरो एट एन टी पी, और अगर अदर देन एन टी पी होगा, मतलब अगर एन टी पी नहीं होगा तो जी जीरो विल बी जी, वेयर जी इक्वल टू डेल्टा इंटू जी जीरो। डेल्टा का वैल्यू क्या था, 3.92 बी बाय 273 प्लस थीटा, वेयर बी वाज बैरोमेट्रिक प्रेशर, थीटा वाज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और बी का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर एनटीपी पे हम लोग कंसीडर करने के लिए चाहेंगे तो ई को रिप्लेस करना पड़ेगा जी जीरो से। तो अगर ई को हम लोग जी जीरो से रिप्लेस करें तो वी हो जाएगा वी डी, एंड इन जनरल कंडीशन ई को रिप्लेस करना पड़ेगा डेल्टा इंटू जी जीरो से। ई के जगह पे हम लोग को लिखना है डेल्टा इंटू जी जीरो, जहाँ पे कोरोना स्टार्ट होता है। तो वी हो जाएगा वी डी, और डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज जो वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कोरोना, टू स्टार्ट द हीसिंग साउंड। ठीक, अभी तक इतना तक हम कैलकुलेट करके लेके आ सकते हैं, लेकिन इनके बाद एक्सपेरिमेंटली एफ डब्ल्यू पीक एक साइंटिस्ट है, जो पीक लॉ भी जिनका है, एफ डब्ल्यू पीक एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किए कि इनके साथ और एक फैक्टर इंक्लूड करना है जो कि एम जीरो, जो पहले क्लास पे हम लोग डिस्कस किए थे और जिनका रिकॉर्डेड पर्सन है नहीं, तो हम इसके बाद पहले क्लास का भी रिकॉर्डेड पर्सन इंक्लूड कर देंगे। जिन पे ए एम जीरो क्या होता है, एम जीरो होता है सरफेस रफनेस फैक्टर, रफनेस फैक्टर और इरेगुलरिटी फैक्टर, इरेगुलरिटी सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर। ठीक, इनका क्या वैल्यू था, 1 फॉर स्मूथ सरफेस 0.92 से लेकर के 98 तक, फॉर रफ सरफेस एंड फॉर स्टैंडर्ड कंडक्टर 0.82 से लेकर के 0.88 तक, ये था एम जीरो का वैल्यू। स्मूथ सरफेस होगा तो स्मूथ सरफेस में कोरोना का इफेक्ट कम है, तो इसीलिए 1 एब्सोल्युटली स्मूथ सरफेस पॉलिश्ड सरफेस पे। फिर रफ हो जाएगा तो जो पहले वी डी वैल्यू था, मतलब सपोज स्मूथ सरफेस के लिए वी डी इक्वल टू 100 के वी, अगर सरफेस रफ होगा तो वी डी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 11 सपोज पहले 100 के वी पे सरफेस पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो डेल्टा जी जीरो हो रहा था, अभी अगर कंडक्टर का सरफेस रफ हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली और भी इंक्रीज होगा। तो डेल्टा जी जीरो क्रिएट करने के लिए पहले अगर 100 के वी लगता था तो अभी लगेगा लेस देन 100 के वी, तो इसीलिए जो फैक्टर है इनमें वैल्यू डिक्रीज हो गया। स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए और भी कम लगेगा। अगर कोरोना स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, कंडक्टर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल्टा जी जीरो पे लेके जाना है, ये तो समझ में आया है। तो डेल्टा जी जीरो लेके जाने के लिए, डेल्टा जी जीरो पे लेके जाने के लिए पहले वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितना था, वी डी, जो सपोज 100 के वी, सपोज वी डी इक्वल टू 100 के वी। ठीक, अभी अगर कंडक्टर सरफेस रफ हो गया तो डेल्टा जी जीरो ये जो वैल्यू है इनमें रीच करने के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज क्या होगा,
और भी कम होगा, मतलब BD को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो M0 फॉर स्मूथ सरफेस अगर 1 होगा तो रफ सरफेस पे थोड़ा सा डिक्रीज होगा, और स्टैंडर्ड कंडक्टर पे और भी डिक्रीज होगा। स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या है? ऐसे एक सिंगल कंडक्टर पे जगह पे हम लोग ऐसे छोटा छोटा पतली पतली अगर वायर लेंगे, और ये जो वायर है इनको अगर आपस में ऐसे लिपटा लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे, ऐसे एक सिंगल कंडक्टर था, सपोज ऐसा एक सिंगल कंडक्टर था, इनके जगह पे अगर हम लोग ऐसे छोटा छोटा दो तीन कंडक्टर लेंगे और पतली पतली वायर लेंगे, फिर उनको ऐसे क्लॉकवाइज, उनके बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज में एक लेयर, उनके बाद एंटी क्लॉकवाइज में एक लेयर, ऐसे करके अगर कंडक्टर बनेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। वो हम लोग कंडक्टर सेक्शन पे देखेंगे। ये जो छोटा छोटा पतली पतली कंडक्टर हो रहा है ना, नैरो वायर जो है इसको हम लोग कहते हैं एक स्ट्रैंड, STRANDED स्ट्रैंड। और इस टाइप का जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो इरेगुलरिटी जो फैक्टर है फॉर द स्टैंडर्ड कंडक्टर, इनका वैल्यू होता है 0.82 से लेकर के 0.88 तक, और फॉर हाफ कंडक्टर 0.92 से लेकर के 0.98 तक। ये जो कॉम्प्लीट जो फॉर्मूला आया है ये हो गया आपका सिंगल फेज के लिए। अगर थ्री फेज लेंगे तो सिमिलर कैलकुलेशन विल बी देयर। कैलकुलेशन हम लोग कैपेसिटेंस पे देखेंगे। सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, ये जो दो फैक्टर टू जो फैक्टर है ये नहीं होगा, और ये जो डी था वो हो जाएगा डी इक्विवेलेंट बाय आर, जहाँ पे डी इक्विवेलेंट क्या होगा, डी इक्विवेलेंट होगा इक्विवेलेंट स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। इक्विवेलेंट स्पेसिंग डिस्कस करने के टाइम पे हम लोग को लगेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ GMR एंड GMD, वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सिंगल पेज कंडक्टर का कैलकुलेशन किए, उनमें से हम लोग एक डेरिवेशन लेकर के आए कि कोरोना का जो डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होता है वो कहाँ से डेरिवेशन कर सकते हैं, हम लोग कहाँ से डेरिवेशन आता है। लेकिन देखो इसको हम लोग कहते हैं इम्पीरिकल फार्मूला, मतलब सारा फार्मूला हम लोग डिराइव करके नहीं लेके आ सकते हैं, हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा का जरूरी है। इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जैसे M0 आ गया एक्सपेरिमेंटल डेटा, डेल्टा आ गया एक्सपेरिमेंटल डेटा। डेल्टा को हम लोग क्या कहते थे, डेल्टा को हम लोग कहते थे रिलेटिव या डेंसिटी, हम लोग पहले क्लास पे डिस्कस किए थे रिलेटिव या डेंसिटी, जो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ठीक, तो इसको ठीक से रिवाइज करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे, हम लोग मशीन का क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ठीक है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ये जो वर्सन है छोटा क्लास है, टॉपिक छूट गया था तो हम डिस्कस करके इनके बाद पावर सिस्टम में हम लोग स्किन इफेक्ट पढ़ेंगे। स्किन इफेक्ट के पहले हम लोग ट्रांसफार्मर डिस्कशन करेंगे, ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा जरूरी है, उनके बाद हम लोग फिर स्क्रीन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।